दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। अगर आपने वीडियो थोड़ी सी भी स्किप कर दी तो आप अपने काम की बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में जिस शॉप पे मैंने वीडियो बनाई है वहां तक का लाल किले से लेकर शॉर्टेस्ट आपको रास्ता बताया है कि कैसे आप आराम से उस दुकान तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका वेयर हाउस यहाँ पे देखिए, सारी कोन है, चेसी वगैरह है। अगर कोई सिंगल पीस आके लेना चाहे तो मिल जाएगा? सिंगल मिल जाएगा, वही रेट है, वही रेट है ना। अब हम इसको चार्ज करके देखते हैं। तो भैया इसे चार्ज कीजिए आप एक बार। स्पेयर पार्ट्स देख रहे हैं, 10 इंच के स्पीकर के स्पेयर पार्ट है। सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में पूछते हैं, फिर इसको असेंबल करके देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से डीजे गुरुजी में। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आया हूँ गौरव इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जो कि चांदनी चौक भागीरथ प्लेस में है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डीजे के स्पीकर के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मैं उसी शॉप पर आया और आपके लिए एक और वीडियो बनाने वाला उसी के ऊपर। आज हम इस वीडियो में मैग्नेट को चार्ज करके देखेंगे और साथ ही साथ उसके स्पेयर पार्ट्स देखेंगे। 10 इंच के स्पीकर के लिए भी स्पेयर पार्ट्स देखेंगे और मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर एड्रेस बताऊंगा कि आपको कैसे शॉर्ट पड़ेगा इस दुकान तक आना। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखकर तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें डीजे गुरुजी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे आप लोग ये स्पेयर पार्ट्स देख रहे हैं, 10 इंच के स्पीकर के स्पेयर पार्ट है। सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में पूछते हैं फिर इसको असेंबल करके देखेंगे। तो भैया जो इसका प्राइस आप बताएं कि करके ये कितने का है? जैसे कोनो ये होता है 12-10 इंची बूफर बोलते हैं फोम का, ठीक है, ये है 10 इंची का एक पीस, 12 रुपये का एक पीस। और आगे जो डस्ट कैप है इसका, इसकी कॉइल होती है, कॉइल हो गई अल्मोनियम की, 30 रुपये की, 30 रुपये की। और इसको स्पाइडर बोलते हैं जी, स्पाइडर 5 रुपये का स्पाइडर है, 5 रुपये का हो गया। और इसको बोलते हैं कैप जी, डस्ट कैप हो गई, 10 इंची कैप, 10 इंची की, ये 2 रुपये की है जी, ये 2 रुपये की है। और इसको बोलते हैं टैग, टैग जो यहाँ लगाया जाता है, चेसी के ऊपर लगाया जाता है, कनेक्शन करने के लिए लगाया जाता है, टैग बोलते हैं, ठीक है। और जो इसको बॉडी बोलते हैं, चेसी बोलते हैं, हाँ, ये फ्रेम हो गया, चेसी हो गया जी। ये कितने का? 40 रुपये का जी, 40 रुपये का। उसके बाद अब देखो किट चिपकाई जाती है 100 वाट की, कैसे बनाई जाती है देखो, इसको मैं ही लगा के यूँ तैयार कर, इसके ऊपर सोल्यूशन लगा रखा है और ये जिग जिग से सेंटर किया जाता है, ये देखो ये दोनों सोल्यूशन यहाँ पे लगाए जाते हैं, इससे ये सेट कर रखा है, सेट कर दिया जिससे ये आउट ना हो, ठीक है। जो मैग्नेट बनती है ये कितने की होगी? चार्ज करना है ये 200 रुपये का, ये 200 रुपये की मैग्नेट है, चार्ज करके जी, चार्ज करके। तो दोस्तों आपने ये इसके स्पेयर पार्ट्स पूरे देख ले, 10 इंच के स्पीकर के। अब आगे इस मैग्नेट को चार्ज करेंगे, चार्ज करते मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इसको स्पीकर बना के हम देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी मैग्नेट, ये एकदम सेट हो चुकी है, सूख चुकी है, अब हम इसको चार्ज करके देखते हैं। तो भैया इसे चार्ज कीजिए आप एक बार। ये चार्जिंग मशीन में रख दी गई है हमने मैग्नेट को। भाई बताना आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? चार्ज कर रहे हैं। मतलब आपने क्या किया? मैग्नेट रखा है और यहाँ से आपने क्या किया था? यहाँ से बटन दबाया बस चार्ज हो गया। कितना टाइम लगता है चार्ज होने में? 2 सेकंड। 2 सेकंड लगते हैं? 2 सेकंड, ठीक है, हो गई चार्ज। अगर एक बार चेक कर सकते हैं चार्ज है या नहीं? एक बार चार्ज है, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा लो, ये देख लीजिए, अब ये चार्ज हो चुकी है, 2-3 सेकंड ही लगे इसको चार्ज होने में। तो अब चलिए इस मैग्नेट को यूज़ करते हैं और स्पीकर को असेंबल करके देखते हैं। अब हम इसको असेंबल करके देखते हैं, तो ये हमारी मैग्नेट आ गई और ये इसके ऊपर हमने ये फ्रेम को, चेसी को लगा दिया। और जहाँ जहाँ इसके स्क्रूज हैं वहाँ पे हम इसको फेस कर देंगे इसकी तरफ को। ये लगा दिया, ये आ गया इसके होल्स के ऊपर। अब इसके अंदर पेज लगा दिया, अब यहाँ से हम इसको इसके ऊपर स्क्रूज लगा देंगे। तो दोस्तों अभी ये पेज लगा रहे हैं, स्क्रूज को टाइट कर रहे हैं चेसी के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो ये वाला जो 100 वाट का स्पीकर है 10 इंच में, जो इसकी कॉस्ट पड़ती है यहाँ पे अगर आप असेंबल करवाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 400 रुपये का ये पड़ जाता है। बस स्पीकर रेडी हो जाए, इसके बाद मैं आपको और भी अलग अलग स्पीकर के रेट्स बताता हूँ। बस ऐसे दिखाने के लिए। अब उसके बाद कॉइल फंसाई जाती है, ये रही इसकी कॉइल, इसकी कॉइल फंसाई जाती है यहाँ पे, कॉइल को हमने लगा दिया। तो इसके बाद स्पैडर लगा दिया जाता है, लगा दे नीचे लग जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद नक्के पे स्पैडर लगा, फिर कॉइल लगाई जाती है, एक कोन आ जाती है उसके ऊपर। इसके बाद ये डिस्क में स्पीकर हमारा रेडी हो जाता है 10 इंच का, 400 रुपये के आसपास आपको अच्छा स्पीकर यहाँ पे मिल जाएगा 100 वाट का। तो दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी स्पेयर पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके प्राइस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये मैग्नेट्स दिखाता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं भैया कितने वोट है?
90-70 वाट 40 वाट किसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 110 रुपये 110 रुपये का। आगे जो आगे ये वाला 120 मिनट बोलते हैं इसे, इसका प्राइस 200 रुपये 80 वाट होता है। 80 वाट का है ये वाला आपका। 134 मिनट है, ठीक है। प्राइस 100 वाट इसका, वाट 100 होता है। प्राइस 250 रुपये 250 रुपये पर पीस का प्राइस है। 155 बीस, ठीक है। मैग्नेट इसका वाट है 200 वाट की है। और प्राइस इसका 350 रुपये 350 रुपये 185 बीस 2.5 इंच और, ठीक है। इसका वाट है 250 वाट और प्राइस है 550 रुपये 550 का। 185 बीस 3 इंच और, ठीक है। इसका प्राइस 650 रुपये 650 वाट 300 300 वाट की। फिर 190-25 190-25 में आ गया 400 वाट के। हाँ, इसका प्राइस 800 रुपये 400 वाट, ठीक है। अब 185 बीस डबल डबल में आ गई आपकी मैग्नेट, आप देख सकते हैं। 3 इंची वॉइस कॉइल 3 इंची वॉइस कॉइल 400 वाट है। 400 वाट 800 रुपये है, ठीक है। 220-225 आरसीएफ, ठीक है। आरसीएफ का हो गया। इसका प्राइस है 1500 रुपये 1500 इम्पोर्टेड है। हाँ, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड है, ठीक है। इसका प्राइस 1500 रुपये है। 1500 रुपये इसका प्राइस। इसका वाट है 1000 वाट 4 इंची वॉइस कॉइल, ठीक है। अब दोस्तों आगे मैं आपको स्पाइडर दिखाता हूँ चल के, मैग्नेट का। यहाँ पे हमने पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है भैया। इसका रेट्स बताने स्टार्ट कीजिए स्पाइडर्स का। 8 इंची हाइक स्पाइडर 8 इंची में है, ठीक है। 1 इंच बोर, ठीक है। क्या रेट है? 1.5 रुपये 1.5 रुपये पर पीस। और आगे आ जाइए ये वाला 12 इंची स्पाइडर 38 mm 1.5 इंच बोर। इसका प्राइस? इसका प्राइस पर पीस 7 रुपये 7 रुपये का है। ये वाला ये भी 12 इंची हो जाए 7 रुपये पर पीस है। 7 रुपये पर पीस है। क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मैं आपको एक बार फोकस करके दिखाऊं इस पर, ठीक है भैया। और ये वाला भैया जो आपने बताया है, ये वाला 15 इंची और 18 इंची आरसीएफ पे लगता है, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेड ग्लू स्पाइडर होता है। अच्छा, ग्लू स्पाइडर है। आप लोग पास से 200 रुपये 200 रुपये पर पीस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। अब आगे आ जाते हैं 15 इंची बीएम 300 स्पाइडर 3 इंची वॉइस कॉइल के लिए। कितना है भैया इसका प्राइस? इसका प्राइस पर पीस 10 रुपये 10 रुपये पर पीस। 15 इंची बीएम 350 स्पाइडर इसका प्राइस पर पीस 15 रुपये पर पीस है। 15 रुपये एक पीस का। ये वाला 666 स्पाइडर 4 इंची वॉइस कॉइल इसका पर पीस प्राइस है इसका 20 रुपीज 20 रुपये पर पीस आ गया। और एक ये वाला 4 इंची कप स्पाइडर इसका प्राइस? इसका प्राइस पर पीस 20 रुपीज़ 20 रुपये का है। अब दोस्तों आगे यहाँ पे देखते हैं जो इसकी ग्लू वगैरह होती है, सोल्यूशन जो होता है, तो इसका रेट बताइएगा आप थोड़ा, मतलब क्या कितने रेट में कैसे मिल जाता है ये? इसका होता है ग्राम के हिसाब से, 87 ग्राम जैसे। अच्छा, फिर उसके बाद है अलग 87 ग्राम भी है, 135 ग्राम। अच्छा, इस वाले का क्या रेट है? इसका प्राइस है 140 लिखा हुआ है। हाँ, इसका प्राइस 120 120 है, ठीक है। 120। और ये वाले 50 रुपये ये ट्यूब वाली सोल्यूशन होती है। एक ट्यूब 50 रुपये की, 100, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सारा देख सकते हैं। अच्छा भैया, एक बार मेरे को डस्क कैप दिखा दीजिए कुछ यहाँ पे। ये किस रेट से स्टार्ट हो जाती हैं? ये डस्क कैप है 8 इंच से स्टार्ट है, 6 इंच से। कितने प्राइस से स्टार्ट हो जाती है? 6 इंची स्पीकर से स्टार्ट है। 6 इंची स्पीकर से स्टार्ट है। अच्छा, क्या रेट में मिल जाते हैं? 6 इंची डस्क कैप है 30 पैसे की। ये 6 इंची वाले देखिए, छोटी सी 30 पैसे की है ये। फिर उसके बाद इससे ऊपर आएगी 8 इंची, इससे ऊपर 8 इंची की। अब जरा 40 पैसे, ठीक है। उसके रेट्स वगैरह पैसे बता दीजिए और मेरे को कुछ दिखा दीजिए ये दिखाने के लिए। आप मेरे को रेट्स बता दीजिए, मतलब कि कहाँ तक आ जाता है, मतलब ये 30 पैसे स्टार्ट हो गई और कहाँ तक चली जाती है? 20 रुपीज़ तक है। 20 रुपये तक होलसेल रेट है सारे? होलसेल। अच्छा, अगर कोई सिंगल पीस आके लेना चाहे तो मिल जाएगा? सिंगल मिल जाएगा, वही रेट है। वही रेट है ना, सेम रेट है। बाकी भैया जो आप टर्मिनल्स वगैरह दिखाए थे लास्ट टाइम, वो टर्मिनल जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये कितने कितने रुपए के थे भैया? फूल वाला टर्मिनल पर पेयर, एक पेयर है 60 रुपए का। 60 रुपए का एक पेयर? हाँ जी। अच्छा, और जो पुश वाले जो थे? पुश है सारे। सारे पुश ही है, नहीं वाले सारे पुश है। और मतलब सारे सेम रेट है, मतलब क्या क्या है ये? 60 रुपए पेयर का है एक पेयर। में आपको बता दो, एक पेयर में दो पीस होते हैं, एक लाल और एक काला रेड। अच्छा, एक पेयर में एक आपको मिलेगा, पेयर के अंदर रेड मिलेगा, एक ब्लैक मिलेगा वायरिंग के हिसाब से। 60 रुपये पेयर होगा, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं पूरा कॉइल्स हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेड कॉइल्स भी होते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बॉक्स के अंदर पैक करती है। ये भी इम्पोर्टेड होंगी सारी, है ना? सारी इम्पोर्टेड क्वालिटी। अच्छा भैया, कॉइल्स का रेट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? जैसे ये वाली
कितने से? चार इंच ये 4 इंच ही है। इसका क्या रेट है? इसका इसका प्राइस है 500 रुपये। 500। अबे थोड़े कॉइल्स के बारे में बता दीजिए, मतलब कितने इंची से स्टार्ट हो जाते हैं, कितने रुपए में मिल जाते हैं, मतलब प्राइस क्या होगा उनका वॉइस कॉइल का? 120, 1 इंच से स्टार्ट है। और प्राइस कितना होगा इनका? प्राइस मतलब थोड़ा आइडिया दे दो आप, वो तुमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। मतलब 2 रुपए 80 पैसे स्टार्ट हो जाते कॉइल आना, और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है आपकी? मैक्सिमम कॉइल 800 रुपए तक है। 800 रुपए तक? कितने इंची वाली? 4 इंची वाली। अच्छा, क्वालिटी के ऊपर होगा, कुछ इम्पोर्टेड होंगी, है ना? अब दोस्तों मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कोन्स, स्पीकर के जो कोन्स होती हैं। तो दोस्तों अब ये रही हमारी कोन्स, आप लोग देख सकते हैं सारी है, ये 12 इंची में है, 15 में है, 18 में है, और ये वाली 21 में है। और इनके ऊपर होती हैं फोम रिंग्स होती हैं, जो स्पीकर के ऊपर अटैच करी जाती है जब बन जाता है उसके कोन के ऊपर सेट करने के लिए। तो इसके प्राइस देखते हैं, और साथ ही साथ ये रही हमारी वो जो फ्रेम होता है हमारी चेसी एरी। तो भैया एक एक करके आप मेरे को बताओ ज़रा, पहले चेसी से स्टार्ट करते हैं हम। ये मेरे 21 इंची। 21 इंची की है? 1500 वाट से लेकर 2000 वाट तक। ठीक है, कितना प्राइस है इसका? प्राइस इसका है 1600 रुपये। 1600 रुपये का। अच्छा, और भैया इसके जो ये आपकी कोन आ गई है 21 इंची वाली, क्वालिटी आप देख सकते हैं कोन की, कोन क्वालिटी है, बोरी है, बिल्कुल इम्पोर्टेड है। क्या रेट है भैया इसका? इसका है 1500 रुपये। कौन का 1500 रुपये हो गया, ठीक है। और भैया इसके लिए जो हमारा ये रबर फोम कौन सी यूज़ होगी? रबर फोम इम्पोर्टेड मिलेगा आपको 150 रुपये पीस। 150 रुपये पीस एक एक स्पीकर के लिए, है ना? अच्छा, 150 रुपये, है ना? अच्छा भैया 15 इंची का या 18 इंची का दिखा दो मेरे को। ये हमारे 18 इंची पीडी। अच्छा, पीडी के लिए हमारा पीडी है फीचर। हाँ, इम्पोर्टेड पूरा। अब इसके देख सकते हैं इसका फ्रेम कैसे डिजाइन किया गया है। क्या रेट है भैया इसका? इसका है 1250 रुपये। 1250। इसकी कौन? ये देख लीजिए कौन है, ये देख सकते हैं इसकी कौन है, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड कौन है, जो क्वालिटी है पूरा। ठीक है, 750 रुपये। 750 रुपये। और भैया दिखाना 12 इंची में दिखाओ आप, और 12 इंची में, 15 इंची में, ये है 15 इंची बीएम 300। इसके आप देख सकते हैं ये वाला मॉडल 400 वाट। 400 वाट में ये? हाँ, तो 15 इंची 400 वाट। 400 वाट तक के लिए यूज़ करे जा सकते हैं। हाँ, ना 300 वाट से लेकर 400 वाट तक यूज कर। अच्छा, क्या रेट है इसका? इसका है 500 रुपये। 500 रुपये। हाँ जी। और इसका जो कोन है? इसकी कोन है, ये कौन 60 रुपये से लेके 180 रुपये तक है। अच्छा, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, अलग अलग क्वालिटी की कौन सा आती है इसकी? क्वालिटी है। ये 15 इंची में आप कौन देख रहे हैं, कितने रुपए से बोले भैया आपने? 60 रुपये से लेके 180 रुपये तक। अच्छा, 60 से 180 रुपये तक की आपके कौन आती है अलग अलग क्वालिटी के लिए 15 इंची में? ये 15 इंची। और भैया 12 इंची की दिखा दो बस। ये हमारा 15 इंची 600 वाट। अच्छा, 600 वाट का आ गया। क्या रेट है इसका? ये भी 500 रुपये। 500। हाँ, ठीक है। 12 इंची दिखाना। ये है हमारा 12 इंची BMC मॉडल, नया मॉडल। ये देखिए, क्या रेट है इसका? ये 550 रुपये। 550। इसके कोन में आपको दिखा देता हूँ, ये लग जाएगी इसमें कोन? कोन तो लग जाए, कोई कोन बैठा लो उसे। अच्छा, ठीक है। कोन का क्या रेट है इसका? 400 वाट तक स्पीकर बनेगा। 400 वाट तक स्पीकर बन जाएगा कोन? कोन। अच्छा, कितने वाट तक का भी आपने बताया? 400 वाट तक। 400 वाट तक के स्पीकर बन जाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इनका वेयर हाउस, यहाँ पे देखिए सारी कोन है, चेसी वगैरह है। और इधर भी आपका ये सारा चेसी वगैरह रखी हुई है, स्पाइडर्स वगैरह है, आप इनका स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं। छोटे छोटे स्पीकर के लिए भी सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगी। ये देखिए आप, छोटी वाली हमारी वॉइस कॉइल हो गई। ये हमारा 15 इंची BMC चेसी 15 इंची में आ गई, ठीक है। क्या रेट है इसका? 400 वाट में 700 रुपये। 700 रुपये। हाँ जी। इसका ज़रा एक बार डिज़ाइन दिखाइए, 15 इंची में भी, ठीक है भैया। तो दोस्तों मैंने आपको 10 इंची का स्पीकर असेंबल करके दिखाया था कैसे असेंबल होता है, और 400 रुपये के आसपास में आपको एक अच्छा स्पीकर मिल जाता है। तो आप लोग इनके ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कोन्स वगैरह। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। जब भी कोई नया आइटम आएगा या स्पेयर पार्ट्स के अंदर कोई नई डिज़ाइन आएगी, वैरायटी आएगी इसके चेसी वगैरह में, मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, और जो एड्रेस की बात है, एड्रेस मैंने वीडियो के एंड में दे दिया कि आपको शॉर्ट रास्ता कौन सा पड़ेगा अगर आप चांदनी चौक में आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। आप लोग ये देख रहे हैं, सामने गौरी शंकर मंदिर है, इसके बगल में ही जस्ट बराबर में लाल किला है, और इस मंदिर के सामने एक रोड जाता है, आप ये वाला रोड देख रहे हैं। इस रोड पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे गौरव इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी, और यहाँ पे आप इनका एड्रेस देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो आप इस शॉप पे आके आप आराम से परचेस कर सकते हैं। आपको एक सिंगल पीस भी मिल जाएगा, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में अभी दिखाया। अगर आप कॉल करके उनको बार बार बोलते हैं कि हमें एक दो पीस दे दीजिए, तो वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया में, दिल्ली से लेके इंडिया में दूर दूर महाराष्ट्र वगैरह तक एक सिंगल पीस नहीं भेज सकते। होलसेल में आप मंगाना चाहें तो उन्हें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। बाकी अगर आपको सिंगल पीस चाहिए या थोड़े कम पीस भी चाहिए, तो आप यहाँ पर विजिट कीजिए, उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, वो आपको सिंगल पीस भी यहाँ पर आराम से प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।